ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। यह राशिफल है 26 सितंबर 2018 बुधवार का दिन है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सूर्योदय के समय रहेगी, लेकिन मध्यान्ह व्यापनी द्वितीया रहेगी, इसलिए दूज का श्राद्ध इसी दिन होगा। इसी के साथ रेवती नक्षत्र जो कि रात को 2 बजे तक रहेगा, इसी के साथ पंचक भी रात को 2 बजे समाप्त हो जाएंगे। और यदि हम दिशाशूल की बात करें तो उत्तर दिशा में इस दिन दिशाशूल रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना इस दिन हानिकारक माना जाता है। यदि किसी कारणवश आपको उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो धना खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहुकाल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। हालांकि जो श्राद्ध कर्म है वो दोपहर में ही किया जाता है, इसलिए श्राद्ध कर्म में राहु काल का किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं रहेगा। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव कन्या राशि में, चंद्रमा मीन राशि में, मंगल मकर में, बुध कन्या में, गुरु और शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेगा। 12 राशि वालों का दिन कैसे रहने वाला है, 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना चाहिए, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज कुछ नए मौके आपके सामने आ सकते हैं। आप जो है प्रबंधन से जुड़ी कोई नई नौकरी या कोई नया पद प्राप्त करने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। आज आप पॉजिटिव रहेंगे और इसके कारण आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। रुका हुआ पैसा आपको मिलने का योग बन रहा है। कोई नई खुशखबरी भी आपको प्राप्त होने वाली है। खुद को आपको जो है सौम्य और शांत बना करके रखना होगा। उपाय के रूप में यदि बेसन के लड्डू आप भगवान हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज आपको कामकाज की वजह से मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है। पार्टनर से मदद और फायदा दोनों मिलने का योग है। आपको रोजमर्रा के काम पूरे करने में कुछ लोगों की मदद भी प्राप्त होगी। आज जो भी फैसला करें सोच विचार करके करें और अपने विवेक से करें। किसी के साथ जो है अपने राज की बात बिल्कुल शेयर न करें। पहले सभी विकल्पों पर अच्छी प्रकार से विचार कर ले। परिवार के लोगों और दोस्तों से सलाह अवश्य करें। जल्दबाजी में किया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। परिवार के साथ आप कहीं पर घूमने फिरने जा सकते हैं। घर परिवार और ऑफिस में आपको धन लाभ होगा। जमीन से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को आज बड़ा फायदा हो सकता है। उपाय के रूप में यदि पीपल के पेड़ में आप थोड़ा सा गुड़ चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। बहुत समय से कोई व्यक्ति आपको लगातार जो है परेशान कर रहा है या आपके काम में जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो आज आपको जो है सहयोग करने का मन बना करके रखेगा। अर्थात आपके सभी रुके हुए कामों में जो है सफलता आपको प्राप्त हो सकती है या रुका हुआ काम आपका बनने वाला है। शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होने वाली है। जिम्मेदारी की भावना के दम पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कोई खास काम, खास जिम्मेदारी आज आपको दी जाने वाली है जिससे आपको आनंद आएगा। जरूरी सूचनाएं आपको प्राप्त होने वाली है। आज आपका आकर्षण बढ़ सकता है। दूसरों को खुश करने की हर संभव कोशिश आप कर सकते हैं। आपके मन में उदारता रहेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े कामों में आपको विजय प्राप्त होगी। कोई पुराना लोन यदि चल रहा है तो वो भी आज समाप्त हो सकता है। पुराने रुके हुए काम या अधूरे काम आज पूर्ण होने वाले हैं। ऑफिस में सभी उच्च अधिकारी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर के कच्चा दूध और गंगा जल चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज आपको अपनी अहमियत का पता चल जाएगा। आज खुद के काम से ही आप खुश रहेंगे। जहां तक हो सके ऑफिस में बड़े लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। कुछ लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। समस्याओं का समाधान करने में आप सफल रहेंगे। आज आपको रोजमर्रा के कामों में जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों का सपोर्ट मिलेगा। कोई भी काम नहीं रुकेगा और कागज के कार्यों में आपको जो है लिखा पढ़ी में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा आपको जो भी काम करना है उसमें जो है कई उच्चाधिकारी और वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य करना है। और आज आपके द्वारा किया गया निर्णय जो है आपके कार्यक्षेत्र में पदोन्नति का योग बना सकता है। बिजनेस में भी फायदा हो सकता है। नए दोस्तों से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। और उपाय के रूप में यदि आप गाय को हरी घास या हरी सब्जी खिला देंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। खुद पर भरोसा रखें तो करियर को लेकर के कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ने के कुछ नए रास्ते भी आपको मिलने वाले हैं। आत्मविश्वास कम न होने दे, धैर्य जरूरी है। कोर्ट कचहरी के कामों में आपको सफलता मिल सकती है। आज आपको प्रेम प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है। नया रोमांस भी आपका शुरू हो सकता है। अविवाहित लोगों को जो है विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है या विवाह की चर्चा भी हो सकती है। पिछले कुछ समय से जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही है वह समाप्त होने वाली है। कुछ नया काम आज आपका शुरू होने वाला है। नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कार्यक्षेत्र से बहुत ही संतोषजनक परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। उपाय के रूप में यदि गुलाब का फूल देवी जी के मंदिर में आप चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज आप अपने घर में सजावट करने में या गाड़ी के रख रखाव में कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। घर संबंधी कोई भी नया सामान खरीदने का योग बन रहा है। कुछ खर्चे आपके ज्यादा बड़े रहेंगे। घर परिवार में कुछ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। संतान की ओर से भी आपको कुछ तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अचानक धन प्राप्ति का योग बन रहा है। परेशानियों से निपटने के लिए समाधान भी आप स्वयं ही खोज लेंगे। उपाय के रूप में यदि गणेश जी के मंदिर में आप गुड़ चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आप दिन भर सावधानी से काम करें। कुछ नए मौके आपको मिलने वाले हैं जिनमें आप रुचि दिखाएंगे। थोड़ा समय ले, शांति से विचार करें। नौकरी के मामलों में आप बेहद व्यावहारिक रहेंगे। आप हर समस्या का जो है आसानी से समाधान भी खोज लेंगे। आपके मन में कोई योजना चल रही है उसमें जो है आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। आपके ज़्यादातर काम जो अधूरे थे वह पूरे हो जाएंगे। छोटी कारोबारी यात्रा हो सकती है। कामों में जो उलझन चल रही है वह समाप्त होने वाली है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके सामने कई तरह के मामले आ सकते हैं और आपका जो है झूठ पकड़ा भी जा सकता है, इसलिए आपको झूठ के ऊपर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। उपाय के रूप में यदि किसी भी मंदिर का शिखर का यदि आप दर्शन कर लेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। बिगड़े हुए रिश्ते और काम में सुधार आ सकता है। आज आपके आसपास के लोगों के प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। आज आप खुश भी रहेंगे। नौकरी और करियर से संबंधित कुछ नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। आज आप स्वतंत्रता के साथ में काम करेंगे। ऑफिस की समस्याएं आज समाप्त होने वाली है। आप स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास भी करेंगे। लोग आपसे सलाह ले सकते हैं। पिछले निवेश से आपको फायदा हो सकता है। आज आपको डेली रूटीन और इनकम के कामों में पार्टनर से मदद भी मिलेगी। किसी भी मामले में जल्दबाजी करने से आप परेशान हो सकते हैं। आपको कुछ नुकसान होने की संभावना है। दूसरों की रोक टोक से आपका मूड खराब हो सकता है। आज आपको किसी की सलाह भी अच्छी नहीं लगेगी। अधीरता और छटपटाहट आप महसूस करेंगे। आप हर हालत में जरूरत से ज़्यादा जोखिम लेने से बचें। आप फालतू खर्चों में भी जो है अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित करें, अर्थात फालतू खर्चों को आपको बचा करके रखना होगा। यदि आप अपने घर के पूर्व दिशा में यदि पीला फूल चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज आपको बिजनेस और कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है। इनसे आपको आने वाले दिनों में फायदा होगा। आपका आत्मविश्वास और आपकी उम्मीदें बढ़ी हुई रहेगी। इससे आपको ही फायदा मिलेगा। आज आप बहुत व्यवहारिक रहें और नौकरी में आपकी प्रगति होने वाली है। मन आपका प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से आपको भरपूर मदद प्राप्त होगी। धन लाभ का योग बन रहा है और कुछ स्थितियां ऐसी बन रही है जिसके कारण परिणाम अचानक आपके हाथ से जाते जाते आपके हाथ में पुनः आ जाएंगे, अर्थात अचानक लाभ होने का उत्तम योग बना हुआ है। उपाय के रूप में यदि आप अपने घर में किसी भी ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज कुछ गुप्त घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती है जो आपके पक्ष में रहेगी और इससे आपको फायदा भी होगा। आप कोशिश करेंगे तो किए गए हर काम में आपको फायदा होगा। आप चिंतन करेंगे और अचानक आपको किसी चीज का समाधान भी मिल जाएगा। आज आप अपने काम में धैर्य और सकारात्मक नजरिया रखें। साथ के किसी व्यक्ति से आपको जरूरी मदद या सलाह भी मिल सकती है। दूसरों के साथ मिलकर के काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी को अपने विचार से सहमत करवाने में भी सफल हो सकते हैं। उपाय के रूप में किसी भी देवी मंदिर में यदि आप चावल चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ
राशि की। पुरानी टेंशन आपकी समाप्त हो सकती है, समय आपका बहुत ठीक है और दोस्तों प्रेमी जनों से आपकी मन की बात आप कह सकेंगे और उनसे फायदा भी होगा। सामूहिक कामों में आपको सफलता मिल सकती है, ऑफिस का काम बहुत आसानी से निपट जाएगा, कई मामलों में आप बेहद व्यावहारिक भी रहेंगे। ऑफिस का बहुत सा काम जो है आपके ऊपर निर्भर रहेगा, इसलिए आप जिम्मेदारी के साथ काम करें। आज आपको बिजनेस यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है और उपाय के रूप में घर से कुछ भी मीठी वस्तु खा करके आपको निकलना चाहिए, जिससे दिन आपका अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। घर और परिवार से संबंधित कुछ कार्य आपके द्वारा होने वाले हैं, धन का लाभ आपको होने वाला है, नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है और साथ ही साथ आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। नया वाहन, नई भूमि या कोई भी नई वस्तु खरीदने पर आप विचार कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है पुराने किसी परिचित व्यक्ति के माध्यम से कुछ नई सौगात मिलने वाली है। उपाय के रूप में यदि आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।